मैं जेमेन ज्वेलरी इक्सो प्रमोशन काउंसिल की तरफ से जो भी हमारे डीजेपीसी के सदस्य यहाँ पे जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ पे इस सेमिनार्स में हमारे लिए हमारे एमएसएमई कमेटी के कन्वेनर श्री मनीष भाई जीवानी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि अपना इंट्रोडक्शन अभी मिहिर जी का कराएंगे। मिहिर जी जो है इंदौर से हैं और काफी वो डीजीएफटी या एईओ या इस तरह की जो भी टैक्सेशन चीजें हैं उस पे उनकी काफी अच्छी महारत है। लगातार हमने उनको अपने वेबिनार्स में और सेमिनार्स में लास्ट वन ईयर में इस पैंडेमिक के टाइम पे जब जब हमें लगा कि हमारे ट्रेड को जरूरत है उनके मार्गदर्शन का, हमने आपको रिक्वेस्ट किया और आपने अपना समय निकाल करके हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं। तो मैं आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं ज्यादा समय कुछ न लेते हुए मैं मनीष भाई से कहूंगा कि सर आप जो है दो शब्द कहें, उसके बाद मिहिर जी सीधे सीधे प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे, फिर हम जो है इस कार्यक्रम से मैं मिथिलेश पांडे हमारी कलीग मिनाली जो यहाँ पे हम साथ में जुड़े हैं हम थोड़े समय तक विराम लेते हुए और कार्यक्रम के अंत तक का प्रतीक्षा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रश्न उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो भी प्रश्न होंगे आप क्यू एंड ए में रख सकते हैं, उसका आंसर मिहिर जी देने का प्रयास करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस के आंसर आपके ऐसे हैं जो टेक्निकल नेचर्स के हो जिसके आंसर रह जाएंगे उसको भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे अभी वेबिनार के समय या वेबिनार के पश्चात। तो मैं अब मनीष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा सर कृपया आप जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार मित्रों, आज के इस वेबिनार बेसिक ऑफ एईओ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता है श्री मिहिर जी तुरकिया, जो कस्टम और एक्सपोर्ट रिलेटेड काफी उनकी एक्सपर्टीज है। उनकी दो फर्म चल रही है, उसमें वो नोवेल एक्जिकॉम प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है, एमपी तुरकिया एंड एसोसिएशन में वो पार्टनर है। साल 1998 से लगातार 20 सालों से आपके पास अद्भुत वर्क एक्सपीरियंस है। वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया और एलएलबी के मेंबर्स है, कॉस्ट अकाउंट्स के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंट ऑफ कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट डीजीएफटी में वो सर्विस दे रहे हैं, जीएसटी काउंसलिंग और एनलेब में भी सर्विस दे रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी काफी है, 10 वर्षों तक इंदौर देवास चैप्टर कॉस्ट अकाउंट के सचिव थे, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क इंदौर के आयुक्त में फैकल्टी में भी उन्होंने सर्विस दी हुई है, जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर कई बार सफल सेमिनार का आयोजन किया है, लगभग 500 से ज्यादा उन्होंने सेमिनार किया है। जीएसटी संबंधित अनुप्रयोग और कार्यान्वयन के लिए भी विभिन्न आईटी कंपनियों के लिए उन्होंने भागीदारी की है। नियमित रूप से सी स्टेट सेटलमेंट कमीशन और आयोग अपीलेंट अथॉरिटी में भी उन्होंने काफी सेवाएं दी है। तो हमारा जो आज का विषय है वो कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड है और उसमें भी फास्ट ट्रैक में कैसे हो, मिहिर जी उनके माहिर है और उनको काफी बारीकियां उनके पास है और उनके एक्सपीरियंस से हमको हमने काफी बार इनका मार्गदर्शन लिया है और ट्रेड को भी उनसे लाभान्वित किया है। तो आज के इस ईओ रिलेटेड वेबिनार में भी हमको पूरा मार्गदर्शन देंगे और जो अभी गवर्नमेंट इनिशिएट लेने वाली है ये हमारा प्रिवेंटिव प्रोग्राम है कि ताकि जब ये ईओ स्टार्ट हो तो हमारे सभी मेंबर इनसे लाभान्वित हो। मिहिर जी आपको इसमें ज्यादा डिटेल बता पाएंगे, मैं मिहिर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। थैंक यू सर, आप अनम्यूट हो जाइए। मिहिर जी सर आप अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीष भाई थैंक यू सो मच फॉर हम्बल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करूंगा कि भाई कि आप सब इस जो माहौल अभी चल रहा है उसमें सब आप और आपके फैमिली वाले सुरक्षित रहे, जितना हो सके उतना बच के रहे कोरोना से और निरंतर कोशिश करें कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कर सकते उतना करें। बहरहाल अभी
इस समय को जो अपन यूज कर रहे हैं, सभी मेरे ख्याल से अपने घर से ही लॉग इन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सबके यहाँ लॉकडाउन ही है। हमारे इंदौर में भी है, बॉम्बे में भी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ लॉकडाउन चल रहा है। अपना एक पिछला जो सेमिनार हुआ था ई संचित, उसी कड़ी में मैं बोलूंगा कि एयू आता है। जैसे सर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नाम से, जो अपन पिछले 4-5 सेमिनार में, जो मैं हमेशा निरंतर एक वर्ड यूज करता हूँ कि एक जनरल व्यापारी, आप लोग सब हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, सोने चांदी में इतने बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नाम से कई लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। फूल जाने से मतलब ये है कि उसमें काफी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है, काफी सारी पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हो जाती है, जिस वजह से एक व्यापारी अपने आप को फोकस नहीं कर पाता एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपना जो रेगुलर बिजनेस कर रहा हूँ, या तो वो संभाल लूँ या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लूँ। ये थॉट प्रोसेस मोस्टली केवल इंडिया में प्रिवेलेंट है इतने सालों से, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कभी भी नहीं रहा इंटरनेशनल बिजनेस में। मैं किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ कि इसमें किसी गलती है कुछ है, बट समहाउ इंडिया की जो पॉलिसीज रही वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं रही है और सॉफ्ट या स्मूथ नहीं रही है। लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से, या 10 सालों से बोल सकते हैं, कि गवर्नमेंट पिछले 2010 से जो भी गवर्नमेंट रही, उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर में भी और इंटरनेशनल WTO वगैरह के जो एग्रीमेंट्स हुए उसके अंतर्गत भी ये कस्टम फॉर्मेलिटीज को ईज ऑफ डूइंग करने की बहुत कोशिश की है, जो कि इंडियन कस्टम्स और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी करी है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कई कई चीजें लाके आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का जो जरिया है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करे, इजी करे, और ऐसा सिंपल करे कि आपको किसी भी स्पेशल एजेंसीज की बहुत ज्यादा जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़े। मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट है अपने, वो मोस्टली बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, और उनको मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैं हर टाइम कहता हूँ, हालांकि जिन लोगों ने मेरा सुना होगा पहले उनका रिपीटेशन लगेगा, बट आप लोग अभी मनीष भाई भी मुझे वही बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे बिजनेस बहुत अच्छा है। जितने लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं ज्वेलरी में, दे आर वेरी हैप्पी विद द एक्सपोर्ट बिजनेस राइट नाउ। एंड इस कठिन कठिन समय में, जहां पे कंपटीशन हर चीज में बहुत ज्यादा हो गया है, वहां पे आपको एज अ बिजनेस डिसीजन भी मल्टीपल सेगमेंट में पांव जमा के रखना पड़ेगा। मतलब आप डोमेस्टिक में कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वेलरी या सेगमेंट में है तो आप निश्चिंत ही एक्सपोर्ट में भी आप अपना कोशिश जारी रखिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत करके भरचक कोशिश कर रही है कि आप लोग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, आप लोग को कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर मैटर्स के कारण पीछे नहीं हटना पड़े बिजनेस करने में। योर बिजनेस डिसीजन शुड बी प्योरली अ बिजनेस डिसीजन एंड इट शुड नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट। उसमें कोई भी ये कंस्ट्रेंट नहीं आना चाहिए, यार ये तो ये डॉक्यूमेंटेशन अपन कर ही नहीं सकते, इसलिए धंधा छोड़ दो, एक्सपोर्ट मत करो, या ये चीज नहीं कर सकते। तो उसी कड़ी में, जैसे लास्ट टाइम हमने ई संचित किया था, जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, जो आप आपके घर पे बैठ के भी कर सकते हो, ये हमने एक प्रोसीजर बताई थी। और मेरे ख्याल से एक और उस सेम टॉपिक पे सेमिनार शायद नेक्स्ट वीक रखा है ऑन ई संचित। इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अगली कड़ी है एईओ। एईओ इज ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। अब मैं एक शेयर स्क्रीन मेरी पीपीटी जो है मैं शेयर करता हूँ। पांडे जी, अगर शायद नहीं दिख रही हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये विजिबल है अभी। हाँ जी ये बिल्कुल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, पीपीटी क्लियरली विजिबल है। एक सेकंड, अभी अपलोड हो रही, अभी इसमें जो फर्स्ट स्लाइड है आपका जो अनकट 2020। हाँ वही है, वही वही है, अभी तो वही। यस आपके जो क्रिएटिव है वही मैंने उसको यूज कर लिया फर्स्ट। तो एईओ का सर जो कहना है, फुल फॉर्म है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, एईओ स्कीम। ये 2010-11 में आ चुकी थी, तब इसका नाम ACP होता था, अक्रेडिटेड कस्टम प्रोफाइल ऐसा कुछ था, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को आइडिया याद है। उसको फिर उन्होंने फाइनली कन्वर्ट करके एईओ किया। एईओ बेसिकली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें वर्ल्ड की सभी कस्टम्स जो रहती है हर कंट्री की, वो एक उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्रेमवर्क में ये बनाया हुआ है। और
मैं आपको ये बता दूं जो कि बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये वर्ल्ड की हर कस्टम्स वाले, मतलब कोई भी आपका बायर होगा वो वहां का इम्पोर्टर है, आप यहाँ के एक्सपोर्टर हो, ज्वेलरी में मोस्टली यहाँ पे सब एक्सपोर्टर ही है, तो मैं भी उस टर्म से बात करूंगा। तो सभी लोग एईओ स्कीम को डिलीजेंटली फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है एईओ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे ये होता है कि अगर आप भी एईओ पे आ जाते हो तो आप उन हजारों लाखों सभी इंडस्ट्रीज वाले, मतलब नॉट ओनली ज्वेलरी, जितने दूसरे भी वाले हैं वो सभी WCO के एईओ प्रोग्राम के जितने मेंबर्स हैं, आप उनके पार्ट हो जाते हो, उस मेंबर्स ग्रुप के पार्ट हो जाते हो। और अच्छी कंट्रीज में जहां पे वैलिडेशन चाहिए उनको सप्लायर का, सी आप इंडिया में बैठे हो, कुछ बड़े एक्सपोर्टर छोड़ दे तो आपकी कोई रिकग्निशन, आपकी कोई गुडविल नहीं है इंडिया के बाहर। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी को वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट एक कोई एज अ न्यू पर्सन, अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपको कोई नहीं जानता, तो आपको एनालाइज कोई कैसे करेगा, आपको एसेस कैसे करेगा कि यार ये व्यक्ति जिनके साथ मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ ये अच्छा है या नहीं है। जैसे आज मैं अगर मनीष भाई को जानता हूँ, मनीष भाई किसी और ज्वेलर को जानते तो वो पर्सनली रिकमेंड कर सकते कि मीर तू इससे काम कर ले, इज अ वेरी गुड पर्सन, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड इज अ वेरी पर्सन विद हाई इंटीग्रिटी, तो मेरे को एक पर्सनल रेफरेंस मिल गया, मैंने काम कर लिया। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो कोई किसी को जानता नहीं है, तो किसी को भी पर्सनल रेफरेंस का या और कोई जरिए से आपकी गुडविल सेट करने में बहुत टाइम लगता है। इस चीज को कहीं ना कहीं एड्रेस करती है एईओ स्कीम। एईओ इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड विच इज क्रिएटेड फॉर कस्टम्स क्लियरिंग, जिसमें एक सिक्योर्ड और ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और इंटरनेशनल सप्लाई चेन को सिक्योर्ड बनाने के लिए ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरफ काम किया है, और जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है गुड्स का उसको स्मूथ करने के लिए। मैं अभी इन जनरल गुड्स वर्ड शायद यूज करूंगा क्योंकि ये एक एईओ जो है हर चीज पे एप्लीकेबल है, हर इंडस्ट्री पे, हर प्रोडक्ट पे, बट आप ज्वेलरी से स्पेसिफिक कोई इशू हो तो अपन आफ्टर दी सेमिनार वी कैन ऑलवेज टेक अप, बट तब तक आई विल यूज जनरल टर्म्स ओनली, मोस्टली मैं स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं करूंगा। सो बेसिकली ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सबने मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम क्रिएट किया है एईओ, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक स्पेशल इकोनॉमिक ऑपरेटर बन जाते हो इस एप्लीकेशन के बाद, और आपको इंटरनेशनल सप्लाई चेन में एक सिक्योर ट्रांजेक्शन करने के बिजनेस फॉर्म के रूप में आपकी इमेज एस्टेब्लिश हो जाती है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एईओ प्रोग्राम, इस बेसिकली एईओ प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग के गोल्ड की बात करूं कि मेरे ख्याल से हॉलमार्क है या 916 है या इस टाइप की काफी सारी चीजें होती है जिसके सील को या जिसके ऑथेंटिकेशन को आप ऑथेंटिकेट मानते हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाए अगर आपको 916 बोलेंगे तो आपको एक विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये गोल्ड में ये प्योरिटी का मटेरियल मेरे को मिल रहा है, या मेरे ख्याल से हॉलमार्किंग की हुई होगी तो उसका एक वो रहेगा। तो उसी तरीके से एज अ गुड प्लेयर, एज अ वेरी गुड बिजनेस कंपनी और प्लेयर, आपको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाता है, एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ये आप जब आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को बोलते हैं कि सर मैं एक एईओ होल्डर हूं, तो एक एक्सटेंट तक की आपकी इमेज बहुत नीट एंड क्लीन और एक व्यवस्थित बिजनेसमैन की स्थापित हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रिकग्निशन। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू गेट अ इंटरनेशनल रिकग्निशन विच विल एनेबल यू टू गो टू एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सप्लोर एक्सपोर्ट मार्केट, एंड इट विल ओपन द डोर्स, आपके लिए बाहर के बायर्स के दरवाजे काफी हद तक खोल देगा ये। सिक्योर एंड रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर्स, आप जब किसी इंटरनेशनल बिजनेस में उतरते हैं तो आपको सामने वाला एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देखेगा, उसको एक कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी कि मेरा सप्लायर जो है वो एईओ सप्लायर है, सो एक मिनिमम स्टैंडर्ड इज मेंटेन। सेविंग्स एंड कॉस्ट, इसमें काफी सारे प्रोसीजर्स मैटर्स जितने भी है, प्रोसीजर मैटर्स की छूट दी गई है, तो उससे आपका सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लॉजिस्टिक्स में। ये कैसे होता है ये अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पांडे जी, माय वॉइस इज क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि अपन एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स में इन जनरल आपको भी बता दूं, फिर आगे तो मैं एक स्पेसिफिक मैंने एक चार्ट बनाया है, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एडवांस लाइसेंस और DFIS स्कीम यूज करते हैं गोल्ड में, रिप्लेनिशमेंट स्कीम जो आप लोग बोलते हैं उसको,
तो रिप्लेनिशमेंट स्कीम में अगर कोई पर्टिकुलर चीज का सायन नहीं है तो अगर आप एईओ सर्टिफाइड हो तो आप खुद का सायन डिक्लेयर करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और वो आपका सायन मान लिया जाएगा अगर आप एईओ हो तो। ये काफी बड़ा एडवांटेज है बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए। इंक्लूजन ऑफ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी ऑफ इम्पोर्ट टू एंश्योर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एंड इंक्लूजन ऑफ डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फॉर फैक्ट्रीज ऑफ कंटेनर्स फॉर एक्सपोर्ट। कोई भी पोर्ट पे से डायरेक्ट डिलीवरी जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले कुछ 2-3 सालों से स्टार्ट हुई है, तो ये एईओ वाले को ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है जिसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन क्लियरिंग का बच जाता है। अब किसी भी बिजनेस में 1 से 1.5 दिन बचता है और रेगुलर कंसाइनमेंट में जब 1 से 1.5 दिन आपका बचता है तो ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट में कन्वर्ट होता है फ्यूचर में जाके। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट विद अदर कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एईओ टी एंड एओसीसी। ये T2 T3 क्या है ये मैं आपको आगे कवर अप कर दूंगा। उसके पहले ये समझ लें कि बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड एग्रीमेंट विद अदर कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक एईओ सर्टिफाइड एक्सपोर्टर हो तो जो इंपोर्टिंग कंट्री रहेगी जहां पे आपका मटेरियल जा रहा है वहां पे ऑलरेडी अगर आपका एईओ सर्टिफाइड है तो वहां के कस्टम वाले भी आपको काफी आपके कंसाइनमेंट को इजीली क्लियर करने देंगे बिकॉज यू आर एईओ सर्टिफाइड एंड दे विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑन द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ इम्पोर्ट इन दैट कंट्री ऑल्सो। सो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है जब एक बायर को फील होता है कि यानी आपके यहाँ से मटेरियल आता है तो इजिली क्लियर हो जाता है कस्टम से, वो भी एक आपकी गुडविल बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। प्रोविजन ऑफ डिफरमेंट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड डीलिंकिंग ऑफ ड्यूटी पेमेंट एंड कस्टम क्लियरेंस। जब भी इम्पोर्ट करते हैं, अभी तो हालांकि मेरे को लगता नहीं कि आप लोग कोई ज्यादा इसमें इम्पोर्ट्स में रहोगे, बट अगर आप लोग कोई इम्पोर्टर हो तो आपको मैं बता दूं कि अभी अगर आप कोई कंसाइनमेंट लाते हो तो आपको पहले ड्यूटी भरनी पड़ती है, तभी आपका मटेरियल क्लियर होता है, तभी आपकी बिल ऑफ एंट्री आउट ऑफ चार्ज होती है। लेकिन अगर आप एईओ सप्लायर हो या एईओ सर्टिफाइड इम्पोर्टर हो तो उस केस में आपका ड्यूटी पेमेंट करना आवश्यक नहीं है। आप रोज के कंसाइनमेंट मंगाइए, रोज क्लियर कराइए, रोज मटेरियल उठाइए और 15 दिन में एक बार आपको पूरी ड्यूटी जो आपकी बन रही है वो आपको डिपॉजिट करनी है। तो यू गेट टाइम ऑफ 15 डेज फॉर सबमिशन एंड डिपॉजिट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर रेगुलर एंड बिग इम्पोर्टर्स। फास्ट ट्रैकिंग ऑफ एडजुडिकेशन एंड रिफंड। अगर आप कोई रिफंड लगाते हैं एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में या आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है तो उसका फास्ट डिस्पर्सल होता है और ड्रॉबैक वगैरह आपको बहुत स्पीडिली मिलता है एज कम्पेयर टू अदर्स। एक ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का जो ड्रॉबैक या रिफंड मिलने का समय रहता है वो दूसरे नॉन ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के मुकाबले कम रहता है काफी। तो आपकी सब चीजें फास्ट ट्रैक में चली जाती है, बहुत स्पीड अप हो जाती है। जैसा अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एईओ प्रोग्राम क्यों लाया गया, तो बेसिकली इसमें एक पहले इंडिया का लोकल प्रोग्राम होता था ACP जो मैंने आपको कहा, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी तो उसकी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए एईओ प्रोग्राम लाना पड़ा। गवर्नमेंट का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो थ्रस्ट है उस चीज में ये बहुत मददगार रहता है और उसका एक पार्ट है उस प्रोग्राम का, इसके लिए एईओ प्रोग्राम लाया है। रिड्यूस ट्रांजेक्शन एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। एज ए एक्सपोर्टर आपका टाइम मैंने आपको कहा वैसे 1-1.5 दिन का टाइम कहीं पे बचता है, या आपका ड्रॉबैक का अमाउंट है आपको फास्ट रियलाइज होता है, या आपके सप्लायर आपका जो बायर है इंडिया के बाहर उसका टाइम बचता है उसके कस्टम्स में अगर फॉर्मेलिटीज में या किसी भी कस्टम्स से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज या प्रोसीजर्स में, तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज एंड एडेड एज ओवर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट यू आर इनकरिंग राइट नाउ ऑन द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स। फास्टर क्लियरेंसेज एंड रिड्यूस पेपर वर्क। जैसे मैंने कहा कि आपका क्लियरेंसेज और ये सब बहुत फास्ट हो जाएगा और इसके अंदर आपको काफी सारे पेपर वर्क से छुटकारा भी मिल जाएगा। कुछ टाइप के पेपर यहाँ तो देने नहीं पड़ेंगे या फोटो कॉपीज या डुप्लीकेट कॉपीज से भी काम चल जाएगा। इंडियन ट्रेडर्स प्रोवाइडिंग इंडियन ट्रेडर्स एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन बेनिफिट्स। जैसे मैंने कहा कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके नए एक्सपोर्टर्स के लिए या जो अभी लोग एक्सपोर्ट में नहीं है उनके लिए, कि ये आपको एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस देता है, एक इंटरनेशनल इमेज देता है, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देता है जिससे आपको कई जगह पे ग्रीन चैनल मिल जाएगा, कई बायर्स आपको प्रीफर करेंगे, यू विल बी प्रीफर्ड सप्लायर एज कम्पेयर टू नॉन एईओ पर्सन एंड डेफिनेटली दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो मेरे ख्याल से मैं इंपॉर्टेंस इसका समझा चुका हूँ काफी हद तक एईओ का, कि ये क्यों जरूरी है। अब अपन समझते हैं कि ये कैसे कौन ले सकता है। अब कोई भी सप्लाई चेन में जितने पार्ट होते हैं एक सप्लाई चेन के, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर,
वो जिसके थ्रू ये एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करता है वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें कस्टम ब्रोकर भी आ सकते हैं, दूसरे लोग आ सकते हैं, शिपिंग शिपिंग और एयरलाइंस वाले। वेयरहाउस ओनर जो लॉजिस्टिक्स में वेयरहाउसिंग करते हैं, मेरे ख्याल से शायद ज्वेलरी में आप वेयरहाउसिंग का कितना इंपॉर्टेंस है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा इस चीज पे, बट दूसरे इंडस्ट्रीज में वेयरहाउसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टम क्लियरिंग। जो बहुत ह्यूज वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनको हर स्टेज पे वेयरहाउसिंग लगता है, वहां पे वेयरहाउसिंग बिकम्स द क्रिटिकल फैक्टर। सो वेयरहाउसिंग ओनर कैन ऑल्सो बिकम अ ईओ ऑपरेटर। कस्टम ब्रोकर ऑफकोर्स जो आपके कस्टम क्लियरिंग कर रहा है, एंड द कस्टोडियन, कस्टोडियन इज जनरली जैसे CFS जो रहते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो जहां पे लैंड होते हैं कंटेनर और क्लियरिंग के लिए जाते हैं, उनको कस्टोडियन कहा जाता है। तो ये चारों पांचों कैटेगरी के लोग को AEO स्टेटस देने का प्रावधान है, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन एंड इट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्री रिक्विजिट। ये पांचों कैटेगरी के लोगों को AEO सर्टिफिकेशन मिल सकता है। अभी आज अपन जो फोकस करेंगे वो केवल ऊपर वाली कैटेगरी पे, दैट इज मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, और उसमें भी स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर। जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सब मोस्टली यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब एक्सपोर्टर होंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर या कस्टम ब्रोकर कोई भी नहीं होगा। सो आई वुड नॉट फोकस ऑन दोज फोर कैटेगरीज, आई विल मोस्टली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। सो एज ए एक्सपोर्टर आप AEO सप्लायर बन सकते हैं। इसकी एक बेसिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यू शुड बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, मतलब आप एक इंडियन कंपनी होना चाहिए। प्रूवन कंप्लायंस विद कस्टम्स एंड अदर लॉज, आपका ऑलरेडी कस्टम से रिलेटेड और उससे रिलेटेड लॉस में जो भी कंप्लायंस हो प्रॉपर होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन, KYC, IEC कोड, कस्टम रजिस्ट्रेशन, बीन, ये सब जितनी भी चीजें प्रॉपर आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। प्रूवन फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, आपकी एक फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रहनी चाहिए, वो कैसे ली जाती है वो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बता दूंगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आपको ये प्रूव करना रहेगा कि आपके यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड कंट्रोल इज वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी वेरी यू नो देयर शुड बी अ सिस्टम प्रिवेलिंग जो आपके यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्ड्स का हवाला दे सके कि आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो। मेंटेन अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये क्या होता है ये समय आगे की साइड में आपको बताऊंगा, अभी आप बहुत ज्यादा उसमें नहीं सोचे तो भी चलेगा। पर बेसिक रिक्वायरमेंट में आपको बता दूं कि आपको कम से कम आपका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि एवरेज 25 डॉक्यूमेंट साल के आपके आइदर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री या दोनों मिला के पिछले फिस्कल ईयर में हुए हो। तो पिछले साल अगर 25 डॉक्यूमेंट का क्लियरेंस आपने किया होगा आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट, तभी आप AEO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब AEO प्रोग्राम का अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता दूं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ AEO सर्टिफिकेशन, AEO T1, T2 एंड T3, एंड एक होता है AEO LO। तो AEO LO मोस्टली लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के लिए होता है या कस्टोडियन के लिए या कस्टम ब्रोकर के लिए। सो एज आई टोल्ड यू कि अपन पहले वाले तीन पे ही फोकस करेंगे, T1, T2 एंड T3। LO पे अपन आज फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो उस कैटेगरी का नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ AEO सर्टिफिकेट, किसी भी AEO सर्टिफिकेट की एवरेज वैलिडिटी 3 ईयर्स रहती है, एंड थ्री ईयर्स फॉर T1 एंड T2, और T3 की जो रहती है वो 5 साल रहती है। अब T1 के सर्टिफिकेट, मतलब अपन जो बात करी तीन कैटेगरीज की, T1, T2, T3, ये तीन कैटेगरीज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं समझा दूं। तो सबसे पहला स्टेज T1 होता है, हर किसी व्यक्ति को पहले T1 ही लेना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप डायरेक्ट T2 T3 नहीं ले सकते, यू हैव टू फर्स्ट कंपल्सरीली अप्लाई फॉर T1। आप कितने भी बड़े एक्सपोर्टर होंगे आपको फिर भी T1 से ही अप्लाई करना है। सो एक्सपोर्टर इंपोर्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, 25 डॉक्यूमेंट पिछले साल में आपने किए हो, आपका एवरेज 2-3 साल से एक प्रेजेंस हो आपकी कंपनी का, तो आप अप्लाई कर सकते हो T1 के लिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत जनरलाइज एप्लीकेशन है इसकी, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। सो केवल ये चार रिक्वायरमेंट है, ये चार की भी डिटेलिंग मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो एलिजिबल है उसको ये चार कंप्लायंस करने हैं, जनरल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये चार चीज आप फुलफिल कर देंगे, आप अप्लाई कर देंगे तो आपको T1 ग्रांट होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा T1 ग्रांट हो जाएगा, देन देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व जो कस्टम्स वाले करते हैं। सो दैट हाउ इट कैन बी डन दैट आई विल शेयर यू इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं इसमें थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में इसलिए भी नहीं जाऊंगा कि आप लोग सब एंटरप्रेनर्स है
आपके यहाँ पे इंटरनल बैकएंड पे ऑफिस स्टाफ और ऐसे लोग रहेंगे जो ये सब चीजें इजीली हैंडल कर सके, और अभी मैं सबका टाइम बहुत ज्यादा डीप में जाके वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, फिर भी जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे आप बोलेंगे तो मैं डीप में भी जा सकता हूँ। ये इसका चारों का क्या है ये मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। और एक जो प्रोग्राम मैनेजर होता है एईओ का, आपको बेसिकली उससे सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये चारों कंप्लायंस में, और उसके बाद आपकी एंटिटी मतलब आपकी फर्म को एईओ टीआर 1 सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाएगा। अब अपन देखेंगे पहला जो पॉइंट था जनरल कंप्लायंस का था। जनरल कंप्लायंस इज नथिंग बट आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देना है, बहुत सिंपल है। आपको एईओ एसीपी ऑलरेडी अगर कोई हो आपके पास तो वो देना है, कॉपी ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी लाइसेंस, आईईसी कोड, फैक्ट्री लाइसेंस, पैन नंबर, जो एक जनरल केवाईसी में सबको देना रहता वही है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी या अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपनी सेक्रेटरी की डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल जिसमें नाम, नेम, फादर्स नेम, पैन नंबर, डिन नंबर, मोबाइल, ये सब मेरे ख्याल से आप लोग सब वेलवर्स हो, ये ऑलमोस्ट केवाईसी जैसा है जनरल कंप्लायंस। डिटेल्स ऑफ प्लेस एंड लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडल्ड, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो भी प्लेस ऑफ हैंडलिंग है एक्सपोर्ट के केस में, वेयर गुड्स आर हैंडल्ड दैट इज लोडिंग स्टोरेज, जो भी एड्रेस पे ये काम होता है उससे रिलेटेड पूरी डिटेल, एड्रेस की डिटेल, वहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसकी डिटेल, जीएसटीएन, फोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रॉस चेक, बैंक चेक, ये इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक बार। पहले आप ये इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए वो समझ लीजिए, फिर वो कैसे अप्लाई होता है दैट विल शो यू इन सब्सिक्वेंट साइड्स। क्रॉस चेक बैंक स्टेटमेंट का डिटेल्स ऑफ आपने जो 25 शिपिंग बिल मैंने कहा मिनिमम रिक्वायरमेंट है पिछले साल की, वो आपको डिटेल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, 25 से 25 बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल जो भी है वो, और उसके बाद ही आप उसको कर सकते हो। डिटेल ऑफ कन्विक्शन इफ एनी, अगर आपको कभी भी कस्टम ने कन्विक्ट बनाया किसी भी चीज में तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर। लीगल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, अगर आपको कस्टम लॉ में कभी भी आपने इंफ्रिंजमेंट किया हुआ है मतलब किसी भी टाइप की धोखाधड़ी या टैक्स की चोरी में यदि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, आपको सेंट्रल एक्साइज और कस्टम में कभी भी पिछले 3 साल में अगर कोई शो कॉज इशू हुआ है फॉर फॉर्जरी फ्रॉड एंड क्लैंडेस्टाइन, ये आप ध्यान रखिए। शो कॉज नोटिस देखिए बहुत सारे लोगों को इशू होते हैं पर जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड या फॉर्जरी के लिए हो, कई बार टेक्निकल इशूज पे और टैक्सेशन के इशूज पे, इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे भी शो कॉज इशू होता है, तो आप निश्चिंत रहिए उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के पास थोड़े बहुत शो कॉज के इशू हुए रहते ही है, और अगर वो फ्रॉड या क्लैंडेस्टाइन रिमूवल के नहीं है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको जो भी शो कॉज है आपको डिस्क्लोज जरूर करना पड़ेगा। फिर वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आपको एईओ के लिए आप एलिजिबल हो बिकॉज ऑफ दिस शो कॉज नोटिस और या एलिजिबल नहीं हो। सिमिलरली अगर सर्विस टैक्स का भी कोई आपको शो कॉज आया हुआ है तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज, और अगर उस पर आपने कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं भी किया सर्विस टैक्स का तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये डिस्क्लोज अगर आप नहीं करते हैं और बाद में इन लोगों को कहीं से पता पड़ता है, जो कि इनके पास बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन रहती है काफी सारी, तो दिस में कॉज ट्रबल टू यू या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। डिटेल ऑफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च, जैसे मैंने कहा किसी भी पुराने केस में आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन मतलब कि आपको अरेस्ट करने की या आपको प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जितने भी पनिशमेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसकी अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुई है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपके अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो डिपार्टमेंट से इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक या टोटल ड्यूटी पेड या किसी भी टाइप का कस्टम्स का पिछले 3 सालों में, तो दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। सो आपने देखा कि जनरल कंप्लायंस यहाँ पे देख लिया, लीगल कंप्लायंस में ये एक मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये बेसिकली आपके इंटरनल रिकॉर्ड्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी अकाउंटिंग, एनुअल अकाउंट्स, ये सबसे रिलेटेड है, और आपका इनवर्ड आउटवर्ड, आप स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, आपकी कंट्रोलिंग कितनी अच्छी है, इंटरनल कंट्रोल फॉर रिकॉर्ड्स फॉर पर्पस ऑफ योर जो आपका प्रोडक्शन और कस्टम क्लीयरिंग से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, इनपुट आउटपुट, स्टॉक रजिस्टर, इनवर्ड आउटवर्ड के अलावा वेस्टेज, ये वो सब, तो ये रिकॉर्ड्स आप कैसे रखते हैं ये भी देखने में आता है। ये सब एक इनका एक एजेंसी होती है कस्टम के अंदर ही, वो चेक करती है सब। मेनी टाइम्स दे में विजिट योर फैक्ट्री आल्सो वंस फॉर चेकिंग ऑल दिस, सो यू हैव टू कीप ऑल दिस इन अ प्रॉपर फैशन। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देता है कि ये कंपनी सॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट नहीं है, या इसमें आज की तारीख में कोई भी ऐसे बैंकक्रप्सी वाले ट्रेड्स या फिगर्स नहीं है, तो वो एक आपका जो रेगुलर स्टैट्यूटरी ऑडिटर या सीए है वो साइन करेगा, अदरवाइज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको साइन कर सकता है,
सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को स्टेच्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेशन T3 वाला सर्टिफिकेट जो कि हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट है उसमें अनिवार्य है, और बाकी अदरवाइज आप नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी किसी से भी ले सकते हैं एक बार अगर चाहे तो। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, तो ये एक फॉर्मेट है, इसमें आपको सॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है कि मैं एक सॉल्वेंट पर्सन हूँ, मेरी कोई भी देनदारी ऐसी नहीं है कि जो लेनदारी से ज्यादा हो, और मैं अगर मेरी नेटवर्थ निकाली जाए तो पॉजिटिव नेटवर्थ है। सो अभी तक अपन ने यहां तक जो देखा ये पूरा T1 का था रिक्वायरमेंट, और जो टायर वन वाला AEO सर्टिफिकेशन है वो ये सब सबमिट करने पे आप अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, वो इंस्पेक्शन होने के बाद दे मे अवॉइड यू द AEO सर्टिफिकेट और दे मे रिजेक्ट इट ऑल्सो फॉर सम रीजन एंड दे विल डेफिनेटली डिस्क्लोज यू द रीजन वाई दे आर रिजेक्टिंग इट। सो आप लोग को टीयर वन समझ पड़ गई, और मैं जहां तक समझ रहा हूँ एक भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी एप्लीकेशन कैसी दिखती है वो मैं आपको आगे आखिरी में जाके बताऊंगा, बट दिस इज प्रीटी सिंपल। अगर ये आपके यहाँ से कोई व्यक्ति प्रॉपरली 8-10 दिन के लिए भी इस पर टाइम डिवोट कर दे तो ये आराम से क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज आप आपके रेगुलर कोई कंसल्टेंट या कस्टम ब्रोकर को भी कहेंगे तो वो AEO अप्लाई कर देंगे। ये कहाँ और कैसे अप्लाई होगा ये मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड में बताऊंगा, बट लॉजिकली T1 के बाद T2 में कैसे शिफ्ट करते हैं ये मैं आपको बता पाऊंगा। सो AEO T2 सर्टिफिकेशन नॉर्म्स, इसमें जैसे जैसे आप हायर जाएंगे आपको बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, ये कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। इन एडिशन टू क्राइटेरिया ऑफ T1, जैसे आपने पहले वो T1 का क्राइटेरिया देख लिया कि वो T1 के लिए क्या करना है, T1 के बाद यू हैव टू T2 एप्लीकेशन करने के लिए आपको सब्सिक्वेंटली ये 7 स्टेप्स करनी पड़ती है। मतलब आप चाहो तो पहले T1 अप्लाई कर दो, आपको T1 मिल भी जाएगा, फिर आप इसकी T2 की तैयारी करो, दोनों को एक साथ मत करो क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहले मिलेगा T1 ही, उसके बाद T2 मिलेगा। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है प्रोसीजरल सिक्योरिटी, प्रीमाइसल सिक्योरिटी, कार्गो सिक्योरिटी, कन्वेंस, पर्सनल, बिजनेस पार्टनर एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अब ये अगर आप पूरा देखेंगे तो बेसिकली ये आपके इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रांग, कितनी स्ट्रांग है आपके यहाँ पे, स्टार्टिंग विथ प्रोसीजरल सिक्योरिटी कि आपके यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर्स एडॉप्ट होती है, इसको SOP बोलते हैं हम लोग जनरली कंसल्टेंट्स हमारी भाषा में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपके यहाँ पे कोई भी मटेरियल इनवर्ड होता है तो उसकी SOP क्या है, मटेरियल आउटवर्ड होता है तो उसकी SOP क्या है, प्रोडक्शन की SOP क्या है, एक्सपोर्ट के लिए जब प्रोडक्शन होता है तो उसका बैच कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये हर चीज की SOP अगर आपके पास है तो उसको प्रोसीजरल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो आपको ये सब अभी अगर आप लोग इसको बहुत नॉन डॉक्यूमेंटेड वे में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि AEO T2 अगर अप्लाई करेंगे आप तो आपको इन सब चीजों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वैसे हर चीज की SOP बनानी पड़ेगी, और आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा इंस्पेक्टर्स को कि आपके यहाँ पे ये प्रोसीजर्स और SOPs फॉलो होती है। सो प्रीमाइसेस सिक्योरिटी नेक्स्ट, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई गोडाउन है या आपका वेयरहाउस है या आपका कोई वर्कशॉप है, वहां पे आपने उस प्रीमाइसेस की कितनी सिक्योरिटी रखी हुई है। यदि आप एकदम छोटे मोटे कहीं पे अनसेफ वाली जगह पे बैठे हुए हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको ये AEO सर्टिफिकेट नहीं मिले। आप ये समझ लीजिए कि ये सब प्रोसीजर्स आपको इसलिए करवाई जाती है कि आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल रहा है। अगर आप इन सब चीजों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपकी विश्वसनीयता जो एक इंटरनेशनल बायर को चाहिए वो नहीं आ पाएगी कभी भी। तो वो चीज, वो गुडविल या एक वो ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए ये सब सिस्टम्स में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके यहाँ पे। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज मैंने खुद ने इंदौर जैसी सिटी में देखा है कि कई जगह पे ज्वेलरी ऐसी जगह पे बनती है जो कि बहुत डेंजरस होती है, एकदम छोटे छोटे कमरे रहते हैं और उसके अंदर फर्नेस वगैरह चलाई जाती है, तो अपने आप में वो एक जगह जो प्रीमाइसेस है वो अपने आप में डेंजरस हो जाता है कि कभी भी कोई अगर आग लगे या कोई कॉन्टिंजेंसी होती है तो उस केस में बहुत तकलीफ हो सकती है, जान जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें भी आपको इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी अगर आपको T2 सर्टिफिकेट चाहिए तो, अदरवाइज आप T1 सर्टिफिकेट से संतुष्ट हो जाइए। T2 सर्टिफिकेट के लिए आपको ये सब प्रीमाइसल सिक्योरिटी, प्रोसीजरल सिक्योरिटी, SOP क्रिएशन, सिमिलरली कार्गो सिक्योरिटी कि आपके यहाँ पे कोई मटेरियल इनवर्ड आएगा तो उसको कैसे आप प्रॉपरली रखोगे, उसका अकाउंट फॉर कैसे करोगे, उसका चोरी होने का डर नहीं होना चाहिए, उसका वेस्ट होने का डर नहीं होना चाहिए, गुम होने का डर नहीं होना चाहिए। वैसे कन्वेंस, कन्वेंस मतलब कि आप जब लोकल कन्वेंस यूज करते हैं
उसका आप कैसे सिक्योरिटी करते हैं, पर्सनल मतलब आपके फैक्ट्री पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हाउ यू इंश्योर, एंड बिजनेस पार्टनर सिक्योरिटी। बिजनेस पार्टनर सिक्योरिटी ये होती है कि आपके साथ आपके वेंडर्स हैं यहाँ पे इंदौर में या बॉम्बे में या सूरत में, आप उनकी भी क्वालिटी और उनकी सिक्योरिटी और उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स को कैसे आप इंश्योर करोगे या कैसे करते हो, ये आपको इसको डॉक्यूमेंटेड वे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आप अभी एक बड़े ऑर्थोडॉक्स वे में काम कर रहे होंगे कई लोग, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करना चाहूंगा, पर ये हो सकता है कि आप लोग एक बड़े वेग तरीके से, एक जो अपना पुराना सिस्टम था व्यापारियों का, एक ट्रस्ट पे काम करते थे खाली ओरली, बट अगर आपको AE और T2 चाहिए तो आपको ये सब चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी कि आप आपके वेंडर्स को कैसे मैनेज करते हो, वो आपके वेंडर्स के यहाँ पे भी सब सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, ये सब चीजें। सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड थ्रेट अवेयरनेस, आपके यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी ट्रेनिंग और थ्रेट अवेयरनेस प्रोग्राम्स है कि नहीं, और नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से इसके कुछ कंसल्टेंट्स आते हैं जो आपको ये सब प्रोग्राम्स करके देते हैं, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं सिक्योरिटी की, और आपके बिजनेस को कोई भी प्रोबेबल थ्रेट होती है उसका आपको अवेयरनेस देते हैं, जिससे कि आप रेडी रहो किसी भी प्रोबेबल थ्रेट से। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे कई बार क्या होता है कि अभी एक हमारे मैं किसी सज्जन को जानता हूँ बॉम्बे में ही, उनके यहाँ पे उनके वर्कशॉप में शायद वो बीकर, आप लोग बोलते बीकर फट गया था और एसिड पूरा फैल गया था, उसमें कुछ गोल्ड भी लॉस हो गया उनसे। सो एक वो थ्रेट है अपने आप में, तो ये थ्रेट का अगर उनको आइडिया होता कि बीकर में ऐसा हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से, तो ही वुड हैव टेकन सेफ्टी मेजर्स अर्लियर। तो AEO यही इंश्योर करता है कि आप किसी भी तरीके से एज अ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खराब से खराब हालत में भी कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे क्वालिटी इंश्योर करेंगे, कैसे कमिटमेंट फुलफिल करेंगे आपके मटेरियल सप्लाई का, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, ये चीज की खातरी जब बायर को नहीं मिलेगी जब तक, तब तक आप रिलायबल सोर्सेज के डेफिनेशन में नहीं आओगे। सो अल्टीमेटली ये सब प्रोसीजर आपको डॉक्यूमेंट करके फॉलो करनी है, तभी आपको T2 मिल सकता है। सो मैंने आपको बोला, वैसे आप ये सब चीजें करके there will be a verification report that the assessment made by the applicant and the documents filed along with application is true and to the satisfaction of AEO program manager. एक customer से इसका program manager आता है आपके पास जो ये सब inspect करेगा, check करेगा, तो आपको उसको satisfy करना है और उसके बाद ही वो एक report बना के देगा verification की कि आप ये सब चीजें follow कर रहे हो कि नहीं, और उसके बाद ही आपका AEO का certificate आपको allot होगा या issue होगा। और डेट्स एंड विजिट टू द प्लेसेस एंड प्रीमाइसेस टू बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये आपसे कोऑर्डिनेट करके ही आपकी फैक्ट्री या ऑफिस पे विजिट करेगा ये सब चीजें चेक करने के लिए। सो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। तो ये सर अपन ने, सब लोगों ने आपने देखा कि अपन ने T2 तक की सर्टिफिकेशन देख लिया, T1 T2, अब अपन सबसे हाईएस्ट लेवल का जो सर्टिफिकेशन है T3, उसमें आते हैं कि T3 कैसे मिलता है। T3 में कुछ भी आपको नया नहीं करने की जरूरत है, आप मान लीजिए एक इकोनॉमिक ऑपरेटर जो ऑलरेडी है शुड हैव कंटिन्यूअसली एंजॉयड द स्टेटस ऑफ T2 फॉर एटलीस्ट 2 years प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन फॉर T3, यानी कि आप 2 साल तक T2 में रहेंगे तो तीसरे साल आप ऑटोमेटिकली T3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप उसको अप्लाई कर दीजिए और उसके इंस्पेक्शन वाले अगर आपको बोल दे कि हाँ भाई इंस्पेक्शन कर लो, तो वो इंस्पेक्शन करेंगे और आपको T3 अवॉइड कर सकते हैं उसके बेसिस पे, या आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। द इकोनॉमिक ऑपरेटर मस्ट बी, दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि इकोनॉमिक ऑपरेटर जो T2 होल्डर ऑलरेडी और उसके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी अगर T2 होल्डर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो T3 के लिए इवन 2 साल के भी पहले। मतलब अगर आपके सभी वेंडर्स या बिजनेस पार्टनर्स जितने भी है वो सभी T2 है और आप भी T2 हो, तो आप ऑटोमेटिकली T3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बहुत कम केस में ही एप्लीकेबल होगा, शायद मैं जहां तक समझ रहा हूँ कुछ बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स होंगे इस कैटेगरी में, बट T3 के। अब मैं आपको पूरा बेनिफिट्स का चार्ट देता हूँ कि T1, T2 और T3 में बेनिफिट में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट अपन ने देखा था, लेवल ऑफ फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन से मतलब ये होता है कि आपको कस्टम वाले बहुत हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। कोई भी AEO ऑपरेटर अगर आपका क्लियरेंस लगेगा तो आपको पर्सनल फोन करेंगे कस्टम वाले, आपको कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप इसको क्लियर करा ले जल्द से जल्द, और जितना फास्ट हो सकेगा वो भी आपको सब क्लियर करके देंगे। तो एक T1 सर्टिफिकेट के लिए अच्छी लेवल ऑफ फैसिलिटेशन होती है, T2 के लिए उससे अच्छी रहती है, और T3 के लिए हाईएस्ट होती है। T3 के लिए बॉम्बे में तो यहाँ तक है कि एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, जिसको आप एक पर्सनल, जैसे अपने को बैंकिंग में प्रीफर्ड मैनेजर मिलता है, प्रीफर्ड कस्टमर का एक मैनेजर रहता है जो आपके सब काम करके देता है, वैसे ही
इसमें T3 में भी आपको कस्टम की तरफ से हेल्प डेस्क मिलेगा जो आपके कोई भी प्रॉब्लम को वन स्टॉप सॉल्यूशन के जैसे सॉल्व करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जब कोई रेगुलर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में हो तो उसको काफी सारे हेडेक एक ही आदमी से बात करके उसके क्लियर हो जाते हैं। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंटेनर, ये शायद आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं लगे पर जो हाई वॉल्यूम कार्गो वाले प्रोडक्ट्स है उसमें डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का इम्पोर्टेंस बहुत है। आज 100-100 कंटेनर 500-500 कंटेनर जब एक साथ लैंड होते हैं और उनको क्लियर करा के डिस्पैच करना रहता है तो अगर कहीं पे भी अगर प्रोसीजर में एक आधा दिन भी रुक जाता है अगर ये चीज तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का इम्पोर्टेंस बड़े गुड्स को ज्यादा रहेगा डेफिनेटली। आई थिंक ज्वेलरी में इसका इतना महत्व नहीं होना चाहिए। आपके ऑफिस के पर्सनल्स को आईडी कार्ड इशू करवा सकते हो आप अगर एईओ हो तो, जिससे कि वो डायरेक्ट कस्टम हाउस और सीएफएस और आईसीडी में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उनको बार बार परमिशन लेने की, लेटर लेने की, ऑथोरिटी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। और आपके कहने पे आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज को भी आईडी कार्ड इशू किया जाएगा अगर आप एईओ ऑपरेटर हो तो। कई केसेस में आपको एक सेपरेट स्पेस दी जाएगी कस्टडियन, कस्टडियन मतलब जहाँ पे मटेरियल कार्गो आके लैंड होके रखा रहता है, एक्सपोर्ट में जाते टाइम रखा रहता है, तो यू कैन बी अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेपरेट स्पेस। आपको कोई भी वहां पे पैकिंग एक्टिविटी या किसी और एक्टिविटी के लिए आपको स्पेस चाहिए हो तो आपको दिया जाएगा। अभी वो स्पेस आपको ऑफिशियली लेना हो तो उसका रेंट वगैरह लगता है, एईओ ऑपरेटर को उसका रेंट शायद नहीं देना पड़ता। कहीं भी किसी भी टाइप की रिडक्शन बैंक गारंटी अगर लगती है तो उसकी रिक्वायरमेंट में रिडक्शन हो जाता है। जो बेसिक T1 वाला जो आपका सर्टिफिकेशन है, T1 सर्टिफिकेट के अंदर अगर 100 रुपए की बैंक गारंटी लग रही है तो आपको एज अ एईओ T1 होल्डर आपको केवल 50 रुपए की ही बैंक गारंटी देनी है। वैसे T2 में केवल 25 रुपए की देनी है और T3 वाले को कहीं पे भी कोई बैंक गारंटी नहीं मांगी जाएगी। अगर आप T3 प्रोवाइडर हो जाते हो तो गवर्नमेंट आपसे कस्टम से रिलेटेड कोई भी जगह पे आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और जो आप ये एडवांस एसेस वगैरह का बेनिफिट लेते तो बैंक गारंटी देनी पड़ती है, वो सब वेव ऑफ हो जाती है। यदि आपके अगेंस्ट में कस्टम का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होता है तो वो बहुत जल्दी और फास्ट ट्रैक में निपटा दिया जाएगा। पहली बात तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं, वो आपको सहूलियत दे देंगे उतनी, और फिर भी अगर कुछ होता है तो 6 से 9 महीने के अंदर उसको क्लोज कर देते हैं। सेम चीज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी है। अगर आपका कोई वैल्यूएशन या वैल्यू या कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है डिपार्टमेंट से तो डिपार्टमेंट इज इन इफ यू आर एईओ सर्टिफिकेट होल्डर, डिपार्टमेंट के ऊपर 6 महीने के अंदर उस रिजोल्यूशन को रिजोल्व करने का बाइंडिंगनेस, दे आर बाउंड टू रिजोल्व दैट इशू। आपको डायरेक्ट कस्टम का ईमेल वगैरह आएगा अराइवल पे, डिपार्चर पे, और आपको जितने भी कंसाइनमेंट है उसकी प्रॉपर कंट्रोलिंग कस्टम वाले भी आपके लिए रखेंगे। 24/7 क्लियरेंसेज एट ऑल सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, आपको टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपके लिए स्पेशल क्लियरेंसेज होंगे अगर आप ये होल्डर है तो। मैंने कहा वैसे इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक ये रिपोर्ट, ये दो पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गए। ऑन साइट क्लियरेंस एंड ऑडिट वंस इन 2 years, 3 years or 5 years, किसी भी टाइप का अगर ऑन साइट क्लियरेंस का ऑडिट वगैरह होता है तो वो केवल 3-4 साल में एक बार इस टाइप से होगा और वो भी फास्ट क्लियरेंस होगा, मतलब केवल ऑन साइट पोस्ट क्लियरेंस हो जाएगा बस, दैट्स इट। रिफंड रिफेट T1 को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है लेकिन टाइम लिमिट दी हुई है T2 और T3 के केस में कि एनी हाउ 45 डेज या T3 के केस में 30 डेज में आपको रिफंड या रिबेट मिल जाएगा कुछ भी हो जाए। उसके बाद अगर होता है तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से कि आपने कोई नहीं किया, तो दिस विल इंप्रूव योर लिक्विडिटी। सेल्फ वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कस्टम ऑफिसर वुड बी वेव्ड ऑफ, मतलब सॉरी, सेल्फ वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कस्टम ऑफिसर के द्वारा जो वेरिफिकेशन है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ये फैसिलिटी केवल T2 और T3 वालों को मिलेगी, T1 वालों को नहीं मिलेगी। बट ये भी एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो एज इट इज सबमिट हो जाएंगे, उसके बेसिस पे सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पे भी कस्टम वाले को उसको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। एक मैंने आपको बोला था इंपोर्ट के केस में डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर आप इंपोर्ट करते हैं एज अ एईओ होल्डर तो आपको डिफर्ड पेमेंट, मतलब आपको 15 दिन में एक बार ड्यूटी भरने की सहूलियत दी जाएगी, इससे भी आपकी लिक्विडिटी बहुत इंप्रोवाइज होती है। आपको कस्टम बॉन्डेड एरिया में पेस्ट करना हो कोई भी MRP के स्टिकर इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, कोई भी आपको कोई पैकिंग एक्टिविटी या कोई लेबल्स या लेबलिंग की एक्टिविटी करनी हो, दैट विल बी अलाउड फॉर T2 एंड T3 लेवल्स, नॉट फॉर T1 लेवल। सेम एक्सेस टू द कंसोलिडेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, आपके खुद का कोई डेटा जनरेट करके कस्टम वाले देंगे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो, ये भी केवल T2 और T3 के लिए ये फैसिलिटी है। मर्चेंट ओवरटाइम फीस, ये मर्चेंट ओवरटाइम फीस आप लोगों को मालूम होगा कि ये जब भी वहां पे
आपको क्लियरेंस के लिए फीस देनी पड़ती है, तो ओवर टाइम जो लगता है वो फीस केवल T1 वालों को लगेगी, T2 और T3 पर फीस माफ हो जाएगी। क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फीस नहीं लगेगी, तो ये भी आपकी बचत होती है जहां पे भी ओवर टाइम फीस आपको चार्ज करता है कस्टम वाला। कई बार क्या होता है, ऑड टाइम पे कस्टम वाले से आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, तो दे चार्ज ओवर टाइम फीस विच विल बी वेव्ड ऑफ। रिस्क बेस्ड इंटरवेंशन बाय अदर डिपार्टमेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होगा, खाली रिस्क बेस्ड होगा। रिस्क बेस्ड मतलब आपके सब कंसाइनमेंट डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको नीड बेसिस पे या वो लोग कोई इंफॉर्मेशन कोई मिलती है आपके अगेंस्ट में तो ही आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट डू एनी इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको कहा था ऑन साइड इंस्पेक्शन स्टिकर एक होता है कि आपको साइट पे इंस्पेक्शन हो गया वहीं पे स्टिकर लग जाएगा। रिलायंस ऑन सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज, आपको BL वगैरह अगर आप ओरिजिनल नहीं भी लगाएंगे तो भी आपकी फोटोकॉपी के बेसिस पे क्लियरेंसेस हो जाएंगे। तो ये इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, और मैंने आपको जो कहा सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको एक इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन मिल जाता है, जो कि आपके बायर को एक बहुत ट्रस्टवर्दीनेस, आपको एक आपके बायर के सामने आपकी फर्म को एक बहुत ट्रस्टवर्दी फर्म के रूप में प्रेजेंट करता है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिसके बेसिस पर आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ऑफकोर्स ये सब जो प्रोसीजरल बेनिफिट्स है वो तो उसी जगह पे है ही। अब मेरे ख्याल से अपन बेनिफिट्स और ये कैसे अप्लाई होता है, क्यों होता है वो तो सॉरी मतलब ये इसमें क्या बेनिफिट्स है और किस किस को एलिजिबल है बेनिफिट के लिए ये अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू गो टू प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ AOP, ये कैसे फाइल होता है, ये मैं एक आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा। ऑफकोर्स मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा एप्लीकेशन जो कि काफी लॉन्ग एप्लीकेशन होती है, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे तो इट मे टेक लॉन्ग टाइम, बट स्टिल लेट्स सी कि कैसे प्रोसेस होता है। ये एप्लीकेशन आपको ज्यूरिडिक्शनल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को सबमिट करना है, बहुत सिंपल है। इसके ज्यूरिडिक्शन जो मेन ज्यूरिडिक्शन है पूरे इंडिया का जो ये AEO का ऑफिस है वो ये एड्रेस पे है, 10th फ्लोर जीवन भारती बिल्डिंग कॉनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। बट आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑनलाइन AEOIndia.gov.in पे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। द एप्लीकेट कैन लॉग इन टू द वेबसाइट एंड फाइल AEO T1 एप्लीकेशन। तो आप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो कंप्लायंसेस की, जनरल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, जनरल लीगल एंड फाइनेंशियल रिलेटेड एंड सॉल्वेंसी रिलेटेड कंप्लायंसेस, ये सब ऑनलाइन फाइल किए जा सकते हैं। ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी लिस्ट है जिसमें दिल्ली मुंबई के में 3 जोन है, तीनों जगह अप्लाई हो सकता है, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब जगह पे आता है। जो एरिया जैसे आज हमारे इंदौर है, इंदौर का लिस्ट में इसमें नहीं है, तो हमारे इंदौर के नियरेस्ट भोपाल आएगा तो हम भोपाल के अंतर्गत आएंगे। यहाँ हो सकता है कि बॉम्बे के अंडर में दूसरे कुछ ऐसे सिटीज हो महाराष्ट्र के जो बॉम्बे के अंदर में आएगा या पुणे के अंडर में आएगा, सो दैट यू टू चेक आउट विद योर कस्टम पर्सन। ये मतलब आप ऑनलाइन भी करेंगे तो भी उसमें आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये उसके लिए लिस्ट शेयर करी मैंने कि आपका कौन सी जोन में एप्लीकेशन जाए इसके लिए। What are the requirements of T1, T2 and T3 application? Basically, ये इसका overview है कि annexure A, B, C, D करके ये कैसे दिखते हैं annexure, ये मैं आपको last slide में दिखा दूंगा। तो basically annexure A application form है जो T2 में, T3 में भी, L1 में सब, मतलब T1 में तो सब कुछ लगेगा ही और T2, T3 में भी लगेगा ये सब। Security plan, process map, site plan, general compliance, legal compliance, managing commercial and ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड बिजनेस पार्टनर डिटेल्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सब चीजें हैं, उसके अनेक्सर्स दिए हुए जो आगे मैं आपको शेयर करूंगा। साइट प्लान और प्रोसेस में भी है कि आपका जो उस जगह पे आपके ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है तो उसका आपको साइट प्लान शेयर करना पड़ेगा। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद डिक्लेरेशन मेड इन अनेक्सर ऑफ फील्ड, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वैसे जैसे मैंने कहा वैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिक्लेरेशन, फिर साइट और लोकेशन का इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपकी कहाँ है उसकी लिस्ट, एड्रेसेस, साइट्स और लोकेशन, ये तीनों चीज मतलब एड्रेस, साइट्स एंड लोकेशन। प्रीवियस थ्री ईयर, पिछले 3 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, प्रीवियस थ्री ईयर के आपके बैंक अकाउंट्स की कॉपी, GST नंबर, IC नंबर, पैन नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, लिस्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज एंड शिपिंग बिल हैंडल्ड ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्लेसेस ऑफ बिजनेस एंड इट्स एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर DIN नंबर्स, एविडेंस सर्टिफिकेट इशूड अंडर MSME एक्ट, ऑथराइजेशन लेटर फॉर कॉन्टेक्ट पर्सन, जो आपके यहाँ पे ऑथराइज रहेगा कंपनी में उसकी उसका ऑथराइजेशन लेटर।
तो ये सब चीजें आपको उस एप्लीकेशन में लगेगी। अब एप्लीकेशन कैसी दिखती है ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि हाउ इट लुक्स, देन वी कैन क्लोज द प्रेजेंटेशन। यस, ये एक एप्लीकेशन ऑफ AEO सर्टिफिकेट है। इसमें हमने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि कौन से एप्लीकेशन में क्या लगेगा और वो कैसे लगेगा, और यहीं पे आगे उसका अनेक्सर भी दिया हुआ है। अनेक्सर A is a basic application जिसमें नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस एंटिटी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन, मतलब आपकी पूरी KYC आ जाती है जनरल वाले में। मैं सर एक एक पॉइंट यहाँ पे अभी कवर नहीं करना चाहूंगा, सबका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, एंड फिर भी एनी केस कोई डाउट हो तो दे कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। जो अपन ने 6-7 पॉइंट्स T2 के लिए देखे थे, प्रोसीजर सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल सिक्योरिटी, ये सब जितने भी पॉइंट्स है ये आपको पूरे इसकी प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स बना के लगाने हैं। फिर आपको प्रोसेस मैप लगाना है अनेजर सी में, कि आप कैसे, व्हाट इज द फ्लो ऑफ गुड्स, व्हाट इज द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपके यहाँ पे जब आप इंपोर्ट करते हो तो कैसे उसको डॉक्यूमेंट करते हो, कैसे प्रोसेस में लेते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसको कैसे एक्सपोर्ट करा जाता है या फिर डोमेस्टिक में बेचते हैं, तो आप कैसे करते हैं उसको। उसके अंदर इट शुड डिस्क्राइब ऑल एक्टिविटीज, ऑपरेशंस एंड रोल ऑफ एप्लीकेंट एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स। जहां जहां पे कोई थर्ड एजेंसी आपने इन्वॉल्व कर रखी है तो उसका भी आपको फ्लो चार्ट में सब देना पड़ेगा। आपके जितने भी प्रीमाइसेस है उनकी साइट प्लान के अलावा उसके एक्सेस पॉइंट्स, उसके आसपास क्या क्या है, सिक्योरिटी की क्या क्या, ये सब डिटेल्स, तो ये सब बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है, विच इज मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेरे ख्याल से अभी मैं अगर उसमें डीप में जाऊंगा तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है ये, तो अभी शायद सबका टाइम इस पे वेस्ट करना वाजिब नहीं रहेगा। सो दिस इज अनेक्सर ई, विच इज सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, अगेन जनरल कंप्लायंस। इसमें आपसे जनरल कंप्लायंस पूछे जाते हैं कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस एंटिटी, आपका एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, व्हाट आर द सर्टिफिकेट्स यू आर इनक्लोजिंग, देन व्हाट आर द, जो आपने 25 डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, उसकी समरी इसमें इंक्लोज करी, उसका डिक्लेरेशन है, फिर आप कन्विक्ट हुआ कभी कि नहीं हुआ, फिर लीगल कंप्लायंस में आपके ऊपर कोई कस्टम का केस है कि नहीं है, इसका यस नो एंड रिमार्क्स कि किस टाइप का केस है, कोई शोकॉज इशू हुआ है कि नहीं आपको, यही पॉइंट्स जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यही सब है पॉइंट्स, पर थोड़े से डिटेल में है, मतलब हमने जो प्रेजेंटेशन में बताया था। वैसे ही जो रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, कि आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग कैसे होता है, गैप अकाउंटिंग कैसे होता है, IFRS कैसा होता है, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, सेटिस्फैक्टरी प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग लाइसेंसेस, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस आपके क्या है, तो ये सब काफी डिटेलिंग में ये सब देना पड़ेगा आपको। जितना डिटेल में देंगे उतना आपके एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस होगी। ये फाइनेंशियल सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, इसमें इंक्लोज किया हुआ, और ये वैसे मैं शेयर करने वाला हूँ पांडे जी से और मृणाल मैडम से, तो अगर किसी को ये डिटेल, ये जो वर्ड फाइल है ये भी दे कैन गिव इट टू यू ऑल द मेंबर्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, एंड विच इज मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप खुद भी ये ट्राई करेंगे तो ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, या आपको ऐसा किसी भी 10 लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। और कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप मेरे से या पांडे जी से कभी भी यू कैन कॉन्टेक्ट एंड वी कैन सॉर्ट आउट योर डाउट्स। जो प्रोसीजरल सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपके क्या क्या प्रोसीजरल सिक्योरिटी है, ये प्रीमाइसेस सिक्योरिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, और इन क्वेश्चन के अलावा आपको कोई एडिशनल रिमार्क या एडिशनल रिप्लाई भी लगाना है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू डू दैट। ये कन्वेंस सिक्योरिटी के है एंड दिस इज फॉर पर्सनल सिक्योरिटी। सो जो अपन ने पहले डिस्कस किया ये उसी का एक्सपांडेड पॉइंट है सब, कि हाउ यू कैन गो डीप इन दैट। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए है कि आपको क्या करना है, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स उससे रिलेटेड उनके एड्रेसेस, उनके लीगल कंप्लायंसेस, ये सब आएंगे उसके अंदर। इसमें से 90% चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो आप ऑनलाइन जब भरने बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछता जाएगा ऑनलाइन सिस्टम आपसे, और आप उसका जवाब लिखते रहते हो, और ये आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो ताकि ऑनलाइन करते टाइम आपको, देन यू डोंट हैव टू यू नो स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट ऑनलाइन। तो अगर आप इसको फिजिकल वे में इस टाइप से अगर कंप्लीट करके रखेंगे तो ऑनलाइन फाइलिंग विल बिकम वेरी इजी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट दिस टॉपिक, और इससे ज्यादा डीप में जाना मेरे ख्याल से सबका टाइम वेस्ट करना होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो वी आर ऑलवेज देयर, टुडे ऑल्सो, इफ नॉट टुडे सब्सिक्वेंटली, कभी भी जिसको क्वेरी हो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये मैं PPT पांडे जी और मीनाल मैडम को शेयर कर चुका हूँ, तो दे विल बी एबल टू गिव यू दिस फॉर्मेट इफ एट ऑल रिक्वायर्ड बाई यू, एंड फॉर द टाइमिंग आई विल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंस हियरिंग। और मैं सोचता हूँ कि आपको इससे अगर 10% भी बेनिफिट होता है, या आप में एक सोच
क्रिएट होती है इसकी तरफ जाने की, तो भी मेरा पर्पस आज का सॉल्व हो गया है। एंड आई रियली बिलीव कि आप लोग सब इस चीज को यूज करके जितना आगे बढ़ सकते हैं एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में या इंटरनेशनल ट्रेड में, आप प्लीज इसका फायदा ले और इसको आगे बढ़ाएं। पांडे जी, आई थिंक आई वुड रेस्ट माय प्रेजेंटेशन हियर, और अब किसी को क्वेरी हो तो वी आर रेडी टू टेक इट। थैंक यू मीर जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया है। एग्जैक्टली काफी क्वेश्चंस हमारे पास में आए थे, लेकिन हमने देखा कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान तमाम चीजें एड्रेस हो चुकी हैं जो कि लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए थे, जैसे हाउ कैन आई गेट सर्टिफिकेशन ऑफ एयू, ये सारी चीजें आपने कवर कर दी है। खाली एक ही क्वेश्चन है, किसी मेंबर से आया है, आई अप्लाइड फॉर एयू ऑन मार्च 2019, I haven't heard back from custom department, what to do? Sir, मैं आपको बता दूं, मिहिर जी से कहने से पहले कि exactly ज्वेलरी सेक्टर्स में जो AEO सर्टिफिकेशन है, थोड़ा उसमें कुछ मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ कंसर्न थे, जिसको हमने इसी महीने की 1 तारीख को, अप्रैल की 1 को हम मेंबर कस्टम के साथ में हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हम उस मुद्दे को उठाए हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि T1 लेवल का एटलीस्ट जो है लोगों को सर्टिफिकेशन स्टार्ट की जाए। उन्होंने एक पॉजिटिव असुरेंस देते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया है। हम जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए भी AEO की मंजूरी भारत सरकार और इंटरनेशनल कस्टम फोरम के माध्यम से शुरू हो पाएगी। उसके लिए GJPC अपने लेवल पे अथक प्रयास कर रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें सर, निश्चित तौर पे इस पे सलूशन जल्द आएगा। अभी तक किसी को AEO हमारे सेक्टर्स में ग्रांट नहीं हुआ है। सर इसमें पांडे जी मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, एक सेकंड। इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, एज अ हाउ यू कैन प्ले अ रोल एज अ GJPC, दैट कि आप कस्टम के जो मेंबर कस्टम्स है CBIC के, उनसे आप स्पेसिफिक ज्वेलरी रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आपके तरफ से उनको सजेस्ट करके एक इंटरनल सर्कुलर इशू करवा दे, ताकि जो लोअर लेवल का इंस्पेक्टर या सुपरिंटेंडेंट जो इसका हैंडल कर रहा है उसको एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, तो फिर वो वहां पे मैटर रुकेगा नहीं कभी भी, है ना। इसलिए हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पूरे प्रपोजल्स बना के रिसर्च किए हैं उनके साथ। हाँ, बस वही, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर पॉलिसी डिसीजन अगर मेंबर कस्टम्स के लेवल पे, क्योंकि मेंबर कस्टम्स के अलावा जो इंटरनेशनल फोरम है वहां से भी इसके अप्रूवल्स होने हैं, तो निश्चित तौर पे जब एक कंक्लूडेड ओपिनियन आ जाएगा तो ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए भी इसकी शुरुआत हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बचे हैं जिसको मैं यहाँ पे उठाऊं। मिहिर जी का कांटेक्ट डिटेल्स है, हमारी कलीग मिनाली भी आप सबसे संपर्क में रहती हैं, लगातार आपके क्रिएटिव्स और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, कंसर्न जो एक्सपर्ट्स हैं, और आप इनके नंबर नोट कर सकते हैं, हमें भी लिख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस जो AEO की जो स्कीम है जो जल्दी ही ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी, आप उसके बारे में फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। और मिहिर जी मैं खाली इतना ही जानना चाहता हूँ, अगर हमारे मेंबर्स चाहें कि उसे, क्योंकि हमारे मेंबर्स में एक अलग प्रैक्टिस रही है, वो किसी व्यक्ति कोई एजेंसी कोई किसी के द्वारा इस चीजों को ड्राइव करते हैं, तो अगर मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूँ, मेंबर्स को हमारे पास जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें मैं डायरेक्ट करूँ आपको डायरेक्टली कि आप जो है आप उनसे 1-to-1 डिस्कशन करें, आपकी जो भी फीस है जो चार्जेस। हाँ नहीं सर, नहीं नहीं ठीक है सर, ऐसा सर देखिए कोई छोटी मोटी क्वेरीज में हम ऐसा कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे, जब आपसे इतना जुड़े हुए, तो अगर व्यापारी को कोई हेल्प होती है हमसे और हमारा कोई ऐसा कोई टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है तो वी डोंट माइंड, ऑल्सो फोन पे भी हम फ्री में भी सॉल्व कर देंगे छोटी मोटी क्वेरीज, तो वो कोई इशू नहीं है। मतलब वी आर ऑलवेज वेलकम यू, ऑल द मेंबर्स ऑफ GJPC आर वेलकम फॉर एनी क्वेरीज, एंड एब्सोल्युटली फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे शक्ति में हमारे बल में होगा तो हम बिल्कुल आपको पूरी हेल्प कर देंगे, कोई इशू नहीं है सर। उसमें उनके एप्लीकेशन फाइल करने का जो प्रोसेस है तो उसमें हाँ मैं वही बोला, कहीं टाइम इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली वील शेयर द कमर्शियल एस्पेक्ट विद द पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लाइंट, and then we can go ahead with that, not an issue. बाकी छोटी मोटी queries, मैं सर देखिए मैं भले consultant हूँ पर मैं अभी भी इस मत में सबको क्लियर बोलता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे भी अच्छा स्टाफ हो, समझदार व्यक्ति हो, तो आजकल गवर्नमेंट की सब प्रोसीजर इतनी सिंपल हो गई कि आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी थोड़ा सा शांति से बैठ के इसको करेंगे ना तो 90% लोग इसको पूरा कर सकते, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा सब वही इन्फॉर्मेशन है, हम भी आपसे ही वो इन्फॉर्मेशन लेके भरने वाले, तो वी स्टिल बिलीव दैट आप खुद ट्राई करें और हमारे जैसे लोग असिस्टेंस के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर एक क्वेश्चन था, व्हाट टू डू इफ वी हैड ऑलरेडी अप्लाइड डायरेक्टली फॉर T2, जैसे आपने बताया था T1 के थ्रू ही जाना है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट टू डू इफ वी हैड ऑलरेडी अप्लाइड डायरेक्टली फॉर T2। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, T2 की एप्लीकेशन गई नहीं होगी आपके, आपको कुछ उसमें कुछ मिस्टेक आपसे सोचने में, क्योंकि T1 इज अ बेसिक कंप्लायंस व्हिच इज रिक्वायर्ड, उसके बिना T2 अवार्ड ही नहीं होता सर।
आप देखिए T1 का मेरे जो स्लाइड में मैंने कवर किया था उसमें T1 में बेसिक डिटेल्स है जो कि सबको वैसे भी देनी पड़ती है, और T2 में केवल वो सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है। ये T1 का आप देखिए, T1 में जनरल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, ये चारों चीज ऐसी है कि इसके बिना एप्लीकेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। और T2 के अंदर आप देखेंगे तो ये इन एडिशन टू द क्राइटेरिया ऑफ AO T1 द AO T2 एप्लीकेंट शुड फुलफिल फॉलोइंग स्टेप्स, जो सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस थे वो तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल ही नहीं, वो उनको रीअप्लाई करना चाहिए T1 में, और एक बार T1 ग्रांट होने के बाद T2 के लिए अप्लाई करना चाहिए। मनाली, और कोई और भी क्वेश्चन हो चैट में या Q&A में तो आप पूछ सकती हैं वीर जी से। सर बेसिकली यहाँ पे एक है क्वेश्चन जो कह रहे हरीश जी कह रहे, GST ऑल्सो कैन बी पेड इन 15 डेज एज वी कैन पेड टू कस्टम्स। जो कस्टम पोर्शन है जीएसटी का वो डेफिनेटली वो 15 दिन में पेमेंट कर सकते हो क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, बट रेगुलर जो आपका डोमेस्टिक सेल का जीएसटी है उस पर कोई बेनिफिट नहीं है यू होने का। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है सर, मुझे लगता है और कोई क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पे इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। जो क्वेश्चंस थे जिसको हमने ड्रॉप इसलिए कर दिया क्योंकि आपने अपने प्रेजेंटेशन में उसके आंसर ऑलरेडी दे दिए थे, तो मैं एक बार फिर से मीर जी आपका धन्यवाद देते हुए क्योंकि आप समय समय पे हमारे लिए उपलब्ध हो पा रहे हैं। और मैं आप जो मेंबर्स यहाँ पे हैं मैं उनको बता दूं कि 22 तारीख को फिर हमारा एक दूसरा वेबिनार है जिसकी डिटेल्स आपको जल्दी शेयर की जाएगी, और ये आपके लिए काफी उपयोगी है, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप सब जुड़े और जानकारी जो आपके लिए आवश्यक जानकारी है उसको हासिल करें। और हम एक बार फिर से जो ऑडियंस में जुड़े हुए हमारे मेंबर्स हैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं मिथिलेश पांडे DJEPC की तरफ से, हमारी कलीग मनाली, हम सब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।